खबर सिवनी मालवा से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री आवली घाट में वर्चुअल जुड़े नर्मदापुरम में लगेंगी करोड़ों पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आवली घाट में किसान की मेड़ पर निःशुल्क पौधे लगाकर देगी रुपई एग्री फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल जुड़े इटारसी डुलरिया के किसानों को पौधे लगाने के लिए शुक्रिया अदा किया, किसानों का अभिनंदन किया। किसान जो 100 पौधे से अधिक पौधे अपनी खेत की मेड़ पर लगवा रहे ऐसे किसानों की संख्या 22,000, उनको मुफ्त में 1,00,000 रुपये का बीमा रुपी एग्री फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे रही। कुछ किसानों को 1,00,000 रुपये बीमा के प्रमाण पत्र किसानों को सौंपे गए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने संबोधित करते हुए कहा, हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती अपनानी चाहिए, अपने खेतों में बगीचे लगाने चाहिए। विधायक श्री प्रेम शंकर वर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि हमारे सभी कृषक भाइयों को ये पौधे लगाकर कंपनी देगी, हमारे को केवल उन पौधों को आग से बचाना है। विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को एक संकल्प लेना है कि हमारे खेतों में आग नहीं लगाना है। रूपी एग्री फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यक्रम में उपस्थित जनों में कृषि मंत्री कमल पटेल, विधायक प्रेम शंकर वर्मा, गौरी शंकर मुकाती, नपा अध्यक्ष रितेश जैन, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ब्रजकिशोर पटेल, अजीत मंडलोई, रेणुका मंडलोई, जनप्रतिनिधि, किसान आदि उपस्थित रहे। आर्थिक से बचाकर पर्यावरण को मुक्त करके पर्यावरण को शुद्ध करके पेड़ हमें देता है। इस पर आपको उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ये सब सारी बातें बताई। साथियों, विज्ञान का उदय बाद में ही हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान ईश्वर का है, प्रकृति का है। विज्ञान ने खोज तो बाद में की है कि पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलती है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ लेकर पर्यावरण को शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त और हमें जीने लायक ऑक्सीजन प्रदान करता है। मेरा ये मानना है कि जब से पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ तब से इस पृथ्वी पर पेड़ जरूर लगा हुआ मिला, बल्कि मैं कहता हूं यदि वृक्ष है पेड़ है तो जीवन है। विज्ञान ने बड़ी बड़ी खोजें की हैं और विज्ञान खोज करते करते मंगल ग्रह पर भी पहुंच गया और चंद्रमा पर भी पहुंच गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद्रमा पर पेड़ मिला क्या उनको? नहीं मिला। मंगल ग्रह पर पेड़ मिला क्या उनको? नहीं मिला। जब पेड़ नहीं है तो वहां पर जीवन भी नहीं मिला। जहां पेड़ है वही जीवन है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो बहुत जरूरी ऑक्सीजन की हमको जरूरत पड़ती है, वह तो कहां से मिलती है? पेड़ से मिलती है। जिस विज्ञान ने हमको अब समझाया, जिस सौगात को प्रकृति ने हमको, ईश्वर ने हमको बहुत पहले से प्रदान कर चुके हैं। और साथियों, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मात्र एक पेड़ हर दिन 230 लीटर ऑक्सीजन देता है। खबर भारतवर्ष के लिए सिवनी मालवा से दिनेश महतो की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।